दोस्तों, मुझे पता है कि जब आप चश्मा ख़रीदने जाते हैं कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि आपके फेस स्टाइल के हिसाब से कौन सा फ्रेम का शेप आपके ऊपर अच्छा लगेगा। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे ऊपर कौन सी फ्रेम अच्छी लगेगी। तो आप की सारी उलझनों को मैं यहाँ पे दूर करूँगा। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि किसके लिए, किस फेस शेप के लिए कौन सा फ्रेम का शेप सबसे बेस्ट रहता संतोष है। गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस फेस शेप के लिए फ्रेम का कौन सा शेप सुटेबल रहेगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपका फेस शेप राउंड है तो आपके लिए सबसे बेस्ट फ्रेम का शेप जो होगा रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगी। उसके अलावा अगर किसी का फेस शेप एंगुलर है तो उसके लिए राउंड फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर किसी का फेस शेप ओवल है तो किसी भी शेप की फ्रेम पहन सकता है, सारे ही शेप की फ्रेम उसके चेहरे पे अच्छी लगेंगी। और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है कि आपकी फ्रेम की फिटिंग कैसी आ रही है। अगर किसी ने इस टाइप की फ्रेम सेलेक्ट कर ली जो उनके चेहरे पे फिट नहीं बैठता है तो उस फ्रेम हमेशा उनके लिए सरदर्द बना रहेगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये उनके फेस पे फिट नहीं बैठ रहा, इतना गैप है यहाँ पे। तो इस तरह की फ्रेम लेने से बचें। हमेशा आप फ्रेम का ये शेप देखें जरूर कि वहाँ पर गैप कम से कम हो। प्लस आपका टेम्पल की साइज़, उसका एक माप होता है, उसको भी ध्यान रखें कि आपके कान पे वो परफेक्ट बैठता है कि नहीं बैठता है। दूसरी चीज़, आप अपनी नाक का जो शेप होता है उसके ऊपर भी देखिए कि वो नोच पे बरोबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। दोस्तों, आप कभी फ्रेम ख़रीदते हैं तो उसके टेम्पल पे इस तरह से साइज़ लिखी होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से साइज़ लिखी होती हैं। क्या आपको मालूम है इसका क्या मतलब होता है? चलिए तो मैं इसका डिटेल में आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 53। 53 जो होता है वो लेंस साइज होता है, ये फ्रेम की साइज बताता है कि फ्रेम कितनी बड़ी है। दूसरा इसके ऊपर लिखा हुआ है 19, ये ब्रिज साइज होता है, ये ब्रिज साइज 14 से 20 तक होता है। ये अलग अलग नोच, किसी की नोज नैरो होती है, किसी की नोज वाइड होती है, तो आप अपनी नोज के हिसाब से इस शेप को चुनिए। अगर आपकी नोज नैरो है तो 14-16 का ब्रिज साइज चुनिए, अगर आपकी नोज वाइड है तो 18 या 20 की ब्रिज साइज चुनिए। और उसके बाद लिखा हुआ है 143 ये टेम्पोरल साइज होता है। किसी का फेस बड़ा होता है तो ये टेम्पोरल साइज, ज़्यादा साइज की ज़रूरत होती है। इसमें 140, 135, तीन साइज आती है। तो अगर आपका फेस छोटा है तो आप 135, ये टेम्पोरल साइज, ये टेम्पल की साइज होती है, उसका 135 रखिए। अगर आपका फेस बड़ा है तो 145 की साइज आती है। अगर आप मीडियम आपका फेस साइज है तो आप 140 की साइज ले सकते हैं। दूसरी है कि अगर आपका नोज फ्लैट है तो उसके लिए कैसा फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए देखिए, इस टाइप की फ्रेम नहीं सेलेक्ट करना है। अगर नोज फ्लैट है तो इस टाइप की फ्रेम नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस पर कोई रेस्ट नहीं है, वो बार बार फ्रेम आपके नोज से फिसल के नीचे आएगी। उसके लिए स्पेशल फ्रेम होती है। अगर आपका नोज फ्लैट है तो ऐसा नोज पैड वाला लीजिए, ये नोज पैड स्पेशली उसको रेस्ट करने के लिए बना है और आपके नोज पे परफेक्टली वो रेस्ट करेगा। अगर आप इन सारी मेजरमेंट का ध्यान देंगे तो आपका फ्रेम आपके फेस के ऊपर परफेक्ट बैठेगा। अगर आपका फेस किसी भी स्टाइल का है, उस पर आप कोई भी फ्रेम लेते हैं तो मे बी आपको फिट बैठेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ओवल शेप के लिए रेक्टेंगुलर या फिर आप स्क्वायर फ्रेम पहन सकते हैं। अगर आपका फेस शेप ओवल है तो आपके लिए कोई भी शेप की फ्रेम आप पहनेंगे सब आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तीसरा, अगर किसी का एंगुलर फेस है तो अपने लिए राउंड फ्रेम का सेलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। धन्यवाद। अपनी आँखों का ध्यान रखिए, अपनी आँखों से प्यार करिए।